स्वयं भगवान ने हमारे लिए गारंटी ली, अंत तक तुम्हें दाल रोटी खिलाएंगे। अगर भगवान वाच है कि समय ऐसा होगा कि एक अनाज का दाना भी दिखाई नहीं देंगे, हाहाकार होगा, अकाल होगा, महाकाल होगा, कौन खिलाएगा हमें, कहां से हमें मिलेगा? फिर स्वयं भगवान ने हमारे लिए गारंटी ली, क्या गारंटी ली? अंत तक तुम्हें दाल रोटी बाबा खिलाएंगे, भूले नहीं भगवान वाच, अंत तक हमें दाल रोटी खिलाएंगे भगवान, भूखे नहीं रखेंगे। भगवान के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। कितनों को सामने भगवान ने कहा, डायमंड हॉल में हजारों 20-25 हजार लोग बैठे, लेकिन 20-25 हजार नहीं, ऑनलाइन के थोड़े से सारा विश्व सामने रखते हुए भगवान हमें अंत तक दाल रोटी खिलाएंगे, लेकिन किसको? भगवान के बच्चे तो हैं, किसको? लौकिक दुनिया में भी बाप अपने प्रॉपर्टी किन बच्चों को देंगे? जो बच्चे बाप से संबंध रखते हुए है, बाप से तलाक अलग हो गया, जूता हो गया, उनको क्या देंगे? जो बच्चे आज्ञाकारी होकर बाप के संबंध में है उनको देंगे। इसी प्रकार ही हम सोचे, भगवान तो हमें गारंटी ली है, जो अंत तक बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, गारंटी उनके लिए होंगी। जो बाबा का हाथ छोड़कर ही चले जाएंगे आधे में, उनके लिए कैसे भगवान गारंटी लेंगे? अंदर में दिल गवा देनी चाहिए, भगवान हमें खिलाएंगे, भगवान हमें खिलाएंगे। अंदर में दिल में निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात, आप देखें इस दुनिया में भी, देखें इस दुनिया में जो लौकिक बाप है, परिवार वाले हैं, वो अपने लाइफ से सोचे, घर में अगर खाना ना मिले, बच्चों को हम ऐसे छोड़ देते हैं, घर में परिवार वाले, घर में कुछ ना हो, भले तो कहीं से उधार लेकर भी लाकर बच्चों को खिलाते हैं। इंसान तो भले इतना अकल है, लेकिन जानवरों में भी अकल है। कोई भी जानवर भी, चिड़िया हो, जानवर हो, अपने बच्चों को भूखे थोड़ी रखते हैं। एक चिड़िया को भी देखें, कहां कहां से दाना ढूंढ कर वो उड़ उड़ कर लाते हैं और बच्चों को बार बार आकर खिलाते रहते हैं। इतना ध्यान रखते हैं बच्चों के लिए, खिलाते, भूखे ऐसे छोड़ देते हैं, वो उड़ उड़ के खुद खाते, बच्चों को ध्यान ही नहीं रखते। ऐसा कभी नहीं होता है। एक जानवर को भी इतना अकल है, अपने बच्चों को खिलाते हैं, और भगवान अपने बच्चों को भूखे थोड़ी मारेंगे। लेकिन गारंटी सारी दुनिया के लिए नहीं है, ये भी हमें समझना है। अनाज का दाना भी नहीं मिलेगा, सभी भूखे मरेंगे, तो हाहाकार होगा। उस समय हम खा सकेंगे? हमारे पास होगा स्टॉक रख कर खा सकेंगे? सब लूटने मारने में लग जाएंगे, लड़ाई करेंगे सब। गारंटी किसके लिए ली? भगवान के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, जो भगवान का हाथ पकड़ के रहेंगे, अंत तक बाबा का बन कर रहेंगे, गारंटी ले उनके लिए होंगे, भगवान भूखे नहीं रखेंगे। हाँ, बाबा ने कहा, तुम बाप को भोग लगाते हो, इसलिए बाप भूखे नहीं रहते हैं, तो तुम भूखे कैसे रह सकते हो? बाप तुम्हें कैसे भूखे रखेंगे? यह भगवान के वायदे। फिर तुमको दाल रोटी दिया जाए, परिवार में किसी को कुछ भी नहीं है, लेकिन दाल रोटी देने से भी क्या हम सुख से खा सकते हैं? हमको मिलेगा भी तो भी खा नहीं सकेंगे, और छीन लेगा। अपने को बचाने के लिए लोग कुछ भी करेंगे, सब लड़ेंगे मरेंगे। जब ऐसा अकाल होगा, परिस्थिति ऐसी होगी, उसके भी ऊपर भगवान की गारंटी है, तुमको वतन में बुलाकर सुविरस पिलाएंगे। वतन में बुलाकर बाबा सुविरस पिलाएंगे, इस दुनिया पर कभी गारंटी नहीं है। निश्चय जो है, विश्वास जो है, वहां तक हमारा हो, भगवान हमें भूखे नहीं मारेंगे। तो ये
यज्ञ में शुरू में भी ऐसा हुआ था। यज्ञ हिस्ट्री में सुना होगा ना, छंदेशी दादियों ने इस प्रकार से ध्यान में जाकर सप्ताह भर ध्यान में रहते थे, कुछ भी खाते पीते कुछ भी नहीं, हल्का सा फल का रस जूस वगैरह थोड़ा सा ही पीते थे, दिन भर कुछ भी नहीं खाते पीते थे, भूख प्यास से बिल्कुल ऊपर हो जाते हैं। तो बाबा ने गारंटी ली है कि तुमको अंत में वतन में बुलाकर सुविरस पिलाएंगे। भगवान के प्रति हमारा इतना विश्वास हो, हमको बाबा भूखे नहीं रखेंगे। लेकिन उनके लिए जो बाबा का बच्चा बनकर रहेंगे,